हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चिराग भट्ट, यूजेनिक्स न्यूट्रिशन से, और ये है डॉक्टर प्रशांत मदने जो कि हमारे न्यूट्रिशन के गाइड हैं, हमें गाइड करते हैं। आज हम एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं प्लम्बोइज्म या बिग गट, जो बड़ा गट हो जाता है, बबल गट या इसको प्लम्बो, इस सिचुएशन को प्लम्बोइज्म के नाम से जाना जाता है क्योंकि डेव प्लम्बो एक बहुत ही माने जाने वाले बॉडी बिल्डर है, उनसे ये शुरुआत हुई थी कि इतना बड़ा गट कैसे। सो ये इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सो आज डॉक्टर साहब अपने व्यू पॉइंट देंगे, बबल गट कैसे आता है और उसको कैसे अवॉइड करना चाहिए। जनरली इन केस ऑफ पावर लिफ्टर्स ये गट पाया जाता है, पावर लिफ्टर्स को इनकी ज़रूरत नहीं है ये बबल गट हो ना हो, मगर बॉडी बिल्डर्स के लिए जिनको वैक्यूम पोज मारना है, जिनके लिए सिमेट्री बहुत मायने रखती है, उनके लिए ये गट बहुत बैड गट है, इसके मार्क्स कटते हैं। तो डॉक्टर साहब विल एक्सप्लेन कि इसके ऊपर कैसे अपने को ध्यान रखना है। जी चिराग सर, आपने बहुत सही बात बोली कि पावर लिफ्टर्स के लिए ये मायने नहीं रखता क्योंकि उन्हें स्टेज पे जाके कपड़े निकालने हैं, उन्हें गट निकालना नहीं है, दिखाना नहीं है कि ऐप्स है या गट है, उनका मेन एम है कि वेट लिफ्ट करना। बॉडी बिल्डिंग अगर आप आज से 10 साल पूर्व पहले देखो तो बॉडी बिल्डिंग में भी गट्स को इतना ज़्यादा लोग ध्यान में नहीं रखते थे कि चलो मसल साइज इतना बड़ा गट है तो चलता था, लेकिन धीरे 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 अगर आप देखोगे तो बॉडी बिल्डिंग में एस्थेटिक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से क्लासिक मेन फिजिक करके एक नई कैटेगरी बना दी है, और मेन जो बॉडी बिल्डिंग है उसमें भी अगर देखो गट्स के नेगेटिव मार्क्स काउंट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आज के डेट में अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी देखो फील को, अगर हर फील जो मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं उनके अगर हर्निया की वजह से भी थोड़ा सा प्रोट्रूजन हुआ तो पूरी वर्ल्ड में उनकी पूरी कम्युनिटी ने उनका मजाक उड़ाया था। तो वही बात है कि आपको गट मेंटेन रखना बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी, ये खासकर उनके लिए जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें 3 फैक्टर्स हैं, एक आपका न्यूट्रिशन, 2 आपका स्टेरॉइड अब्यूज, जिसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करना चाहेंगे लेकिन फिर भी ऊपर से थोड़ी इंफॉर्मेशन दे के जाएंगे, और तीसरा है आपका वर्कआउट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिशन में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो खाते हो उससे गट नहीं बढ़ता, लेकिन आप किस समय खाते हो इसका अगर आप देखो तो उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर अर्नॉल्ड का इंसाइक्लोपीडिया आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि उसने 90 मिनट्स पहले कुछ नहीं खाना है वर्कआउट के, ये मेंशन किया हुआ है। लेकिन आज के जो मतलब ओल्ड गुरुज जो इंडिया में मैंने देखा हुआ है कि आप वर्कआउट करने के पहले 2 केले खाओ, 4 आलू खाओ, वो पेट में ढूंसो और फिर आप वर्कआउट करना स्टार्ट करो। मतलब सिंपल एक तो 2 चीज़ है, आप जब वर्कआउट करते हो आपके बॉडी को ब्लड सप्लाई वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के जगह पेरीफेरी की तरफ मतलब टुवर्ड्स योर मसल्स होना चाहिए। अगर आप खाना खा के इमीडिएटली वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो तो आपका ब्लड सप्लाई मसल्स की तरफ कम रहेगा और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए ज़्यादा यूज होगा, ये पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, अगर आप कुछ खा के वर्कआउट कर रहे हो तो आपका हमेशा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो उस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के साथ आप जैसे डेडलिफ्ट, लैट पुल, स्क्वाट, सीटेड रोज, स्क्वाट और बेंट ओवर रो, ऐसे वर्कआउट करते हो जिसमें ऑलरेडी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा रहता है और उसमें खाना भी आपके पेट में है उससे भी प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप सोचो कि पेट की कंडीशन क्या हो रही है, राइट? तो ये हुआ न्यूट्रिशन वाला पार्ट। दूसरा पार्ट मैं कहूँगा जैसे मेडिसिन यूज़ हो रहे हैं बॉडी बिल्डिंग, स्टीरॉयड अब्यूज़ हो रहा है, स्टीरॉयड से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स yes. और इंसुलिन। तो आप इंसुलिन ले रहे हो, ग्रोथ हार्मोन्स ले रहे हो, चलो आपको मसल हाइपरट्रॉफी आ रही है, आपका फैट लॉस हो रहा है, लेकिन आपके पेट में एंडोक्राइन जो है पूरा एंडोक्राइन सभी ऑर्गन्स धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। हाँ, सो ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है, इट डजेंट हैपन इन क्लिक ऑफ अ सेकेंड, बट इसको साल लग जाते हैं, 10 साल 15 साल। ऑर्गन की हाइपरट्रॉफी होती है और ये ऑर्गन की हाइपरट्रॉफी से भी नॉन रिवर्सिबल है, ये एक बार आपके ऑर्गन बड़े हो गए तो छोटे नहीं हो गए। सो ये एक और माइनस पॉइंट है जिसके बारे में ऑफकोर्स इट इज़ अ टबू फॉर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट या ये अब्यूज से ये जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला ये काफ़ी प्रोनाउंस इफेक्ट इसकी आती है, साइड इफेक्ट्स
सो और तीसरा जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे वो वर्कआउट पैटर्न एक होता है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है मतलब इंडियन बॉडी बिल्डर्स के बारे में भी बताऊंगा और फॉरेन बॉडी बिल्डर्स इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स के बारे में भी बात करूंगा। अगर आपने देखा होगा जो डिफरेंस रॉनी और फ्लेक्स व्हीलर में, फ्लेक्स व्हीलर इज अ सिमेट्रिक गॉड ऑफ सिमेट्री, गॉड ऑफ सिमेट्री, ही इज नोन फॉर हिज सिमेट्री। सो फ्लेक्स व्हीलर ने कभी हेवी स्क्वाट्स नहीं, कभी भी हेवी स्क्वाट्स नहीं किए, इनफैक्ट वो स्क्वाट्स ही काफ़ी कम करता था। उसने जो लेग्स बनाए वो लेग प्रेस पे, लंजेस पे और एक्सटेंशन पे लेग प्रेस बनाए, उसके वीडियोज भी आपने देखे होंगे। जबकि रॉनी कोलेमन जो था फुल रेंज स्क्वाट था और काफी हेवी, यस। और उस समय डॉक्टर साहब जब हम जाते हैं नीचे तो इंट्रा ऑब्डोमिनल प्रेशर इतना बढ़ता है कि आपका गट बड़ा होना ही है। जो इतना हैवी लिफ्टिंग करते समय जब आपने पॉस्कॉट पे आप रुके और आप ऊपर आए तो उस समय पूरा का पूरा आपके बैक को सपोर्ट करने के लिए आपके जो वल्सावा मेनोवर हम जो यूज़ करते हैं यानी ब्रीथ इन करके जो रखते हैं और उसके बाद नीचे बैठ के ऊपर उठने के बाद ही जो ब्रीथ आउट करते हैं, वो जो पावर लिफ्टर जो टेक्निक है उससे आपके गट बहुत बड़ा हो जाता है। एंड मैंने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स को देखा है, एग्जाम्पल सुनील जाधव, मैं जो जिम में जाता हूँ आई हैव सीन सुनील जाधव वर्कआउट, ही डज नॉट डू फुल रेंज स्क्वाट्स, तो इसके लिए उसकी सिमेट्री काफी अच्छी है और उसके गट कभी भार नहीं है। दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन। दूसरा एक इंडियन बॉडी बिल्डर्स के बारे में एग्जांपल दूंगा, संग्राम चौधरी, ही इज आल्सो नोन फॉर हिज सिमेट्री। अगर आप उसकी वेस्ट लाइन देखो तो काफी नैरो है, एब्स काफी फ्लैट है, गट नहीं है। उसका भी रीजन यही है, ही हैज नॉट, आई हैव नॉट सीन हिम डूइंग हेवी स्क्वाट्स, या व्हाटएवर, एटलीस्ट फुल रेंज तो नहीं करते, नहीं करते वो। और मतलब That's why that can be the reason for his symmetry. Yeah. और दूसरी बात, आप abs train करते हो और आप rectus abdominis train कर रहे हो, right? लेकिन जो आपके inner wall को, आपके organ को protect कर रहा है, एक तरह से आप देखो तो समेट के रख रहा है, वो है आपका transverse abdominis. Yes. आपको ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को सबसे ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा, जैसे आप रेक्टस एब्डोमिनस को ट्रेन करते हो, कम से कम हफ्ते में 3 बार ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को तो ट्रेन करना ही करना है। उसके लिए 2 वर्कआउट है, एक तो वैक्यूम होल्ड, या वैक्यूम होल्ड जिसे कहते हैं, मतलब आप बाबा रामदेव जैसे करते हैं, वो पूरा पेट पूरा अंदर अंदर केज पूरा बाहर दिखेगा, हाँ वो। और दूसरा है प्लैंक्स, और ये सब बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। आई विल मेंशन इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर पावर लिफ्टिंग। ये जो गट जो है, ये बॉडी, ये डॉक्टर साहब जो बात करें, ही इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग, ही इज नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट पावर लिफ्टिंग हियर, है ना डॉक्टर साहब? यस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पावर लिफ्टिंग। सो ये फिर से रिपीट करना चाहूँगा, गट अवॉइड करने के लिए वर्कआउट करने के पहले हो सके उतना मैक्सिमम एम्प्टी स्टमक रहो। दूसरी बात, आप किसी भी ड्रग का यूज़ कर रहे हो, पता नहीं कितना ज़रूरी है वो आप जानते हो, लेकिन उस इतना अब्यूज़ ना करो कि उससे गट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाए। यस, एब्सोल्युटली। तीसरी बात, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को अच्छे से ट्रेन करो और कंपाउंड मूवमेंट्स, ज़्यादा हेवी लिफ्ट मत करो। मसल अंडर टेंशन इंपॉर्टेंट है, मसल हाइपरट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, योर पाउंडेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यस, एब्सोल्युटली। सो ये सारी बातें आपको याद रखनी है गट को अवॉइड करने की। सो आज डॉक्टर साहब ने उनके टेक्निक बताई जिससे गट बड़ा ना हो फॉर बॉडी बिल्डिंग। अगर आप पावर लिफ्टिंग करते हो, आप 6-6 प्लेट डेडलिफ्ट मार रहे हो, 6-6 प्लेट स्क्वाट मार रहे हो, तो आपको गट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ स्पेसिफिकली अबाउट बॉडी बिल्डिंग। सो वी टेक योर लीव गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HIIT के बारे में बात करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।